memory से परिणीत आ जाओ ना तो सही ऐसी मन के है सच्ची तुम हो सितारों के परे हुई गलती सॉरी हमने गाया तुम क्यों सुनी किसकी मर्जी जो थे। हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम अब यहाँ से जा रहे हैं अब मोहनिया। अभी बज रहे हैं रात के 11:30 हो रहा है और 11:30 में हमारा गाड़ी आएगा और हम यहाँ से सीधे जाएंगे मोहनिया। मोहनिया बबुआ रोड यहाँ है बबुआ हमारा झंडा हमारा झंडा हमारा झंडा हमारी देश की आन बान और शान देख लीजिए। तो हम फाइनली चल चुके हैं यहाँ से। अब अभी तो हम लोग हैं सासाराम स्टेशन और सासाराम स्टेशन से अब जाएंगे हम लोग बबुआ रोड। तो मेरे साथ अब है और मैं अब साथ में जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तो न्यू ब्लॉग है तो शायद थोड़ा कम होगा लेकिन आपको मोहनिया का हर एक पंडाल दिखाएंगे भले रात के 2 बज जाए। तो हमारा ट्रेन आ गया है तो हम आपको अपना ट्रेन दिखा रहे हैं। अब हम लोग ट्रेन में बैठेंगे और चले जाएंगे बबुआ। अपने ट्रेन में रुको ना रुको आराम से बैठा जाएगा। अरे कस्टमर किस अबे आओ ना यहाँ खड़ी। हम लोग बैठ चुके हैं अपना अपना सीट भी मिल गया हम लोग को और इस साइड हम लोग यहाँ सब जन ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। हम लोग यहाँ से अपना जर्नी शुरू करेंगे और अब आराम से बबुआ रोड। शायद अभी कितना टाइम हो रहा है ग्यारह तैतीस हो रहा है तो शायद 12-1 बजे तक पहुंचा दे। 12-12:30 बजे तक पहुंचा दे ना कंफर्म है। 12-15:20 तक तो पहुंचा ही देगा। अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए यहाँ से खुलेगा तब ना खुलेगा तो देखा जाएगा टाइम 9 बजे पहुंचा रहा है तो फिलहाल चला जाए और देखा जाए वहाँ का नजारा। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग कुदरा स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब खुलेगा तो डायरेक्ट बबुआ रोड रुकेगा। हम अब हैं अभी तो यहाँ ट्रेन थोड़ी लेट चल रही है तो लेट हो रही है। देखिए अब क्या होता है कितना बजे पहुँचते हैं। अभी तो 12 बज रहा है तो शायद 12:15 तक पहुँचा देगा। 12:15 तो इतना कंफर्म ही है और ये हमारे साथ अब है। तो गाइस 12:30 बज चुका है 12:25 हो रहा है अभी और हम लोग बीच में फंसे हुए शायद कुशौली के आस पास होंगे और यहाँ बहुत लेट किया तो हाईकम मार दिया बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। 1 बज गया पहुँचने में। अभी तो ट्रेन नहीं है तो यहाँ सब लड़के कुछ बदमाश लड़के हैं और लोग हाईकम्प मार दे रहे हैं इसके चलते थोड़ा दिक्कत हो रहा है लेकिन हम लोग टाइम से पहुँच ही गए। 1 बजे पहुँच गए और वहाँ से निकलने का टाइम पता नहीं। देखिए पहुँच रहे हैं पहुँच के स्टार्टिंग करेंगे वहाँ से। तो फाइनली हम लोग मोहनिया अभी पहुंच चुके हैं और अभी हम यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे आपको। और हम और अब है बीच में ट्रेन रोक दिया है तो हम लोग उतर गए हैं। अब जा रहे हम लोग डरवा। अब यहाँ से आपको हम लोग दिखाते हैं यहाँ का क्या क्या कंडीशन है पंडाल का आपको चलिए दिखाते हैं। ये है पंडाल डरवा का और अभी स्टार्टिंग ये ब्रिज है जो रामगढ़ रूट वाला ब्रिज है और यही अब जाएगा। अब यहाँ से देखिए कितना अच्छा सजा हुआ है। तो ज़्यादा रात हो गया तो ज़्यादा लोग हैं नहीं मतलब कम ही भीड़ है फिर भी
ऐसा तो नहीं है कि माँ के दरबार में भीड़ नहीं होगा, दो दिन से तो बारिश नहीं हो रहा था यहाँ, यहाँ शायद नहीं हो रहा था, सासाराम में तो बहुत बारिश हो रहा था। अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, और यहाँ का टॉप पंडाल में से एक होता है पंडाल आता है। चलिए फिर घूम के आते हैं, देखिए फिर टावर है, फिर टावर है। सासाराम से मोहनिया घूमने आए। ये लड़का पगला गया था, बोला कि चलो मोहनिया घूमा जाए। हाँ साले हम ही बोले थे तुमको, अपने बोला कि चला जाए घूमने। अरे अपना गांव है, घूमा जाएगा, कहीं नहीं घूमा जाएगा तो कैसा लगेगा, अपना गांव नहीं घूमेंगे। हम लोग जा रहे हैं यहाँ मोहनिया का सबसे बड़ा पंडाल। आइए हनुमान जी का दर्शन करके आते हैं। चलो फाइनली गाइस हम लोग अब जा रहे हैं, जहाँ मंदिर है वहाँ जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे। नींद आ रहा है गाइस, इसको नींद आ रहा है, लेकिन सोएंगे नहीं, बात करने में रात भर जाएगा, लेकिन ऐसे घूमने में नींद आ रहा है। पापा की भरी पापा का कागज है, मम्मी का कागज है, ये मेरा है, ये हम लोग का है। और ये देखो गांधी जी, 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 जो यहाँ का अट्रैक्टिव चीज है ना वो है यहाँ का LED TV। अंदर का नहीं देख पाएगा, कहीं से देख पाएगा। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये है यहाँ का बहुत पंडाल में से एक पंडाल था, और अब हम लोग जा रहे हैं
बारिश भी शुरू हो गया, हल्का हल्का हो रहा है बारिश। देखिए क्या होता है, मिलते हैं कि बसते हैं। फाइनली गाइस हम लोग मोहनिया की तरफ निकल पड़े हैं और ये हमारे साथ अभी भी अभय जुड़ा हुआ है, जा रहे हैं धीरे धीरे अब मोहनिया। हम लोग अब मोहनिया की ओर निकलेंगे, हमारा मोहनिया का बटन जाओ और यहाँ से मोहनिया पैदल ही जा रहा है। देखिए आप यहाँ से चलते चलते कितना बजे पहुँच जाएंगे। फाइनल जल्दी जल्दी पूछेंगे कि इनको मोहनिया पंडाल कैसा लगा। अब भाई कैसा लगा पंडाल, क्या बताएगा लेकिन सुपर। तो अब यहाँ से हम लोग का शुरू होता है मोहनिया का पंडाल और हम लोग यहाँ आ गए हैं। और ये भी एक प्रकार से एकदम अच्छा पंडाल है, आपको दिखाते हैं। लगे ये सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे वो डड़वा आ गया और सेकंड नंबर पे ये। चलिए देखते हैं। और यहाँ बहुत काफ़ी रात होने के साथ सारा गाना हमें बंद हो गया है और हम लोग अब जा रहे हैं, देखिए जा रहे हैं, देखा जा रहा है पूजा चौक के पास, देखा जाए। चलिए हम लोग आ गए हैं स्टेशन रोड, चलिए स्टेशन रोड घूमते हैं। अब स्टेशन रोड का गेट एकदम खाली, हम लोग इतना रात को निकले हैं, लूटपाट हो जाएगा, क्या हाल होगा हम लोग। स्टेशन रोड का ये एक लास्ट प्रोग्राम है, लास्ट पंडाल है, चलिए देखते हैं। गाड़ी देवे तो चैनल डिलीट ना हुई। तो फाइनली हम लोग का यहाँ ब्लॉगिंग खत्म होता है।
और बहुत परेशान हो गए हम लोग। ये लास्ट हम लोग का पंडाल यहाँ का मोहनिया का लास्ट पंडाल है। लास्ट पंडाल है, ख़त्म होता है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे बस स्टेशन और स्टेशन से सासाराम। अब आप लोगों को बस सपोर्ट करना है। तो फाइनली गाइस हमारा ब्लॉग अब यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं और आप बढ़िया से देख ही रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग को इतना रात को इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ भीड़ कम रहता है इतना रात को, और आपको सारा पंडाल दिखा ही दिए हैं हम लोग। और फिर हम लोग चाहते हैं अब सासाराम जाएंगे, तो हम लोग चलते हैं अब अपने डेस्टिनी की और अपने सासाराम प्यारा सिटी सासाराम। और ये ब्लॉगिंग यूट्यूब, अगर ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, जरूर कीजिएगा आप लोग। और वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे आप लोग जूता फेंक के मारिए या रिमोट, बस वो क्लिक हो जाना चाहिए और साथ में बेल आइकन भी। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गया, हम लोग चलते हैं। बाय बाय टाटा, सी यू।